अगर पिछले वीडियो की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी सिक्योरिटी एनालिसिस के इंट्रोडक्शन की, जो कि आखिर ये सिक्योरिटी और उसके बाद उसका एनालिसिस क्या करेंगे उसमें हम। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा कि लर्निंग आउटकम्स पे हम फोकस करेंगे। लर्निंग आउटकम्स में पहला लर्निंग आउटकम्स हमारा है फंडामेंटल एनालिसिस। सो व्हाट वी विल डू, वी विल स्टडी, वी विल नो अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द सिक्योरिटी एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट। आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम आई होप आपको पता है, क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा एक ही विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आई नो मैं अपनी एफर्ट पूरी करता हूँ, बट समहाउ लेट्स डू दिस। आई होप यू आर enjoying द videos। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। ये लाइन मैं बोल देता हूँ जब भी सब्सक्राइब करने की बात आती है, तो बेल आइकन की बात आ जाती है। सो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आया तो। वॉट वी आर वेटिंग फॉर, मूव ऑन। इसको क्या हो गया, या फंडामेंटल एनालिसिस एकदम इजी पीजी ईजिली पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। अच्छे से डीप एनालिसिस करके स्मूथली वी विल गो ऑन। ओके, इज इट ओके फॉर यू? आई होप इट इज। लेट्स मूव ऑन। फंडामेंटल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस। अजम्पशंस का जब याद आता है तो अजम्पशंस, मैथ वाले अजम्पशंस नहीं है यहाँ पे। फंडामेंटल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस दैट the share price depends upon the future dividend expected by the shareholder। क्या लाइन लिखी हुई है, अगर आप एक शेयर होल्डर की नजर से देखो, मतलब एक लड़की की नजर से, कोई हीरो या फिर उसका कोई आइडियल, कोई क्रश है उसको देखता है, या फिर लड़का किसी लड़की को देखता है, वो नजर जैसे कि आप शेयर होल्डर की नजर से अगर देखो तो क्या दिखेगा कि एक फंडामेंटल एनालिसिस इज नथिंग बट it is a based on assumption that the share price depend upon the future dividend expected by the shareholders। hame future mein jo bhi benefit in terms of dividends expected hai, usi expectation ko agar koi price ka naam diya jaye, so that will be called share price। How simple it is। जो आपको फ्यूचर में कैश फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी, दैट विल बी, दैट कैन बी शेयर प्राइस। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे फंडामेंटल बात यही है कि शेयर प्राइस इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू, यू कैन से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज। फ्यूचर में एक्सपेक्टेड जो हमें रिटर्न मिलने वाला है या डिविडेंड मिलने वाला है, डिपेंड अपॉन द फ्यूचर डिविडेंड्स एक्सपेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। आई एम अ शेयर होल्डर, आई एम एक्सपेक्टिंग कि दिस कंपनी आर गोइंग टू गिव मी 100 bucks, सो व्हाट विल बी द शेयर प्राइस आई एम विलिंग टू पे, मे बी 80 or 90 टू गेट द 100, 80-90 लगाऊंगा, 100 पाऊंगा विद इन अ स्पेयर टाइम ऑफ टाइम, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में। सो एक कंक्लूजन यहां पे यही निकलता है कि व्हाट इज द प्राइस, प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर शेयर, प्राइस इज नथिंग बट बेस्ड ऑन अजम्पशंस दैट द शेयर, दैट शेयर प्राइस इज डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर डिविडेंड एक्सपेक्टेड बाय द शेयर। भविष्य में मिलने वाले पैसे का ही शेयर प्राइस होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, ओके ऐसी बात तो करनी नहीं चाहिए थी मुझे, बट जब कोई, ठीक है प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, कोई पार्टनरशिप होती है, कोई मर्जर होता है, अमलगमेशन होता है, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है। मैं पहले डाउरी को एग्जांपल देना चाह रहा था बट मैंने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अभी मैं बोल रहा हूँ अगर दो कंपनी है तो उसकी वैल्यूएशन होती है, तो उस वैल्यूएशन में प्रेजेंट वैल्यू तो रहती है लेकिन फ्यूचर वैल्यू को भी मेजर किया जाता है कि फ्यूचर में इस कंपनी का क्या ग्रोथ है। अभी आपको पता होगा ओला उबर इज इन लॉस, स्विगी जोमैटो इज इन द लॉस, बट दे हैव लॉट्स ऑफ कस्टमर, दे हैव लॉट्स ऑफ टर्नओवर, सो उस टर्नओवर
के दम पे, उस कस्टमर बेस के दम पे फ्यूचर में वो उसी कस्टमर से वो फ्यूचर में इनकम कर सकते हैं। तो इसीलिए उनको आज कोई खरीदेगा तो उनकी प्राइस जो डिटरमाइंड होगी वो फ्यूचर एक्सपेक्टेड डिविडेंड, उनसे मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट पे डिपेंड करेगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आगे देखिए प्रेजेंट वैल्यू की बात। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर डिविडेंड्स कैन बी कैलकुलेटेड बाई डिस्काउंटिंग द कैश फ्लो एट एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट एंड इज नोन एज द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स। होप वी गॉट टू नो व्हाट इज द इंट्रेंसिक वैल्यू। भाई साहब इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर क्या है? व्हाट डज द इंट्रेंसिक वैल्यू, व्हाट डज द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर शेयर, क्या दाम हमें देना चाहिए, वॉट इज द फेयर प्राइस विच वी नीड टू पे टू बाई अ पर्टिकुलर शेयर। सो हेयर वी गो, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर डिविडेंड्स कैन बी कैलकुलेटेड। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड, फ्यूचर में मिलने वाले बेनिफिट का प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिस्काउंटिंग द कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश फ्लो रेदर एट एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट एंड इज नोन एज, व्हाट डज द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, जो हमें रिटर्न एक्सपेक्टेशन रहेगी उस हिसाब से उस अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट पे हम उसे डिस्काउंटिंग कर लेंगे तो उस वैल्यू को बोलेंगे हम लोग इंट्रेंसिक वैल्यू। अगर ऐसे बताया जाए आपको तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, ओके, एट एप्रोप्रिएट रेट पे डिस्काउंट कर दिया हमने, सो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट इंट्रिंसिक वैल्यू। ओहो हाउ कूल इट इज, इट्स ओहो, वी हैव डन सम थिंग बिफोर ऑल्सो, इट इज फॉर द अप वन, या Here we go. Let's I have something, I guess, to draw. So what we are talking about is nothing. We are talking about present value of what? Cash flow. Then we will do discounting at which rate, at any appropriate rate. Basically, I would tell you क्या rate होगा वो, then what we will get? Intrinsic value of shares. Intrinsic value is nothing but the present value of future cash flow discounted at appropriate rate. How cool it is? कैसे याद होगा? याद तो करने नहीं, मैं बोल रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू कितना इजिली, अगर आपको समझ में आ गया है ग्राफ, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट अप्रोप्रिएट रेट इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। समझ में आ गया? नाउ मूव, अप्रोप्रिएट रेट क्या होगा? डिजायर्ड रिटर्न, जो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, हमें कितना पैसा रिटर्न चाहिए, अगर मैं ये लगा रहा हूं तो कितना रिटर्न चाहिए, उस पर अगर हम डिस्काउंट कर लें तो हमें पता चल जाएगा उसका वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट एप्रोप्रिएट रेट इज नथिंग बट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स। हियर वी गो, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल एनालिस्ट हु वी आर द स्टूडेंट, बट हियर इज अ फंडामेंटल एनालिस्ट, ये एक्सपर्ट है अपने फील्ड की, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए इनकी। डिपिक्स, वो बताते हैं द ट्रू वैल्यू ऑफ द शेयर्स, अ शेयर, ओके, व्हाट फंडामेंटल एनालिसिस से, जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उनको हम लोग फंडामेंटल एनालिस्ट बोलते हैं। हियर वी गो, तो वो बोलते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर इज द रियल ट्रू वैल्यू ऑफ द शेयर्स। व्हाट द रियल ट्रू वैल्यू ऑफ द शेयर्स? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट अप्रोप्रिएट रेट, दैट इज इंट्रेंसिक वैल्यू। अगर उसको फंडामेंटल एनालिस्ट के नजरों से देखा जाए तो दैट इज द ट्रू वैल्यू, दैट डिपिक्स द ट्रू वैल्यू ऑफ द शेयर, वो सही वैल्यू शेयर की दिखाता है। अ शेयर दैट इज प्राइस बिलो द इंट्रेंसिक वैल्यू मस्ट बी ब्रॉट। आपका सवाल का जवाब मिल गया, कौन सा शेयर खरीदना चाहिए? जिस शेयर का इंट्रेंसिक वैल्यू से दाम कम हो,
Oh, the shares which are priced below the intrinsic value of the below their intrinsic value, that there you go. That share you can buy. There are several other factors too, but you can buy that shares. Okay. Because why I shared other factors also, देखिए, अगर आप future cash flows को predict कर रहे हो, तो that can be right or wrong. You know? So, it is totally depend upon your expectation or prediction of the future cash flow that you have discounted at which discount rate. So that you need to make your mind. That should be the figure you should confident about. Those share that is priced below the जो intrinsic value से नीचे priced है, that is the right share to buy. While a share quoting above the intrinsic value must be sold कर दो से बेच दो से जो इंट्रेंसिक वैल्यू के ऊपर ज्यादा. सो व्हाट वी विल लर्न इन दिस पैराग्राफ, वी टॉक्ड अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस टेल्स अस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर आउटफ्लो, फ्यूचर डिविडेंड्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग द कैश फ्लोज. व्हाट वी आर सेइंग कि फ्यूचर कैश फ्लोज को अगर डिस्काउंट कर दो अप्रोप्रिएट रेट पे, देन वी विल गेट इंट्रेंसिक वैल्यू. जब इंट्रेंसिक वैल्यू से शेयर प्राइस कम हो, देन यू कैन बाय इट. अगर उससे ज्यादा तो यू कैन सेल इट. This is all about the fundamental analysis. What we have talked about in the fundamental analysis, which shares we need to buy, which share we need to hold, and which shares you need to sell. So fundamental analysis करके आप shares को buy, sell और hold कर सकते हैं. तो उसमें एक term आ गया intrinsic value, और उस intrinsic value का अगर price, share price कम है, intrinsic value ज्यादा है और शेयर प्राइस कम है, देन यू कैन बाय. अगर शेयर प्राइस ज्यादा है और इंट्रेंसिक वैल्यू उसकी कम है, तो यू शुड सेल इट. ओके. दस इट कैन बी श्योर दैट द प्राइस द शेयर होल्डर्स आर प्रिपेयर्ड टू पे फॉर अ शेयर्स इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड दे एक्सपेक्ट्स टू रिसीव ऑन द शेयर, एंड दिस इज द प्राइस एट विच दे एक्सपेक्ट्स टू सेल इट इन द फ्यूचर्स. What a line. It can be shared. Yes, it can be shared that the price of the shareholders are prepared to pay. The price the shareholders are prepared to pay for a share is nothing but the present value of the dividends they expect to receive in the shares. जो वो डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में उन्हें मिलेगा, बेनिफिट जो मिलेगा उन्हें, उसकी प्रेजेंट वैल्यू वो पे करते हैं. एंड दिस इज द प्राइस एट विच दे एक्सपेक्ट टू सेल इन द फ्यूचर. और किस प्राइस पे वो बेचना चाहते हैं फ्यूचर में, दिस इज द प्राइस. सपोज करिए 100 रुपए, तो उस दाम बढ़ता रहेगा, तो उससे कम में खरीदेंगे. As a first step to move at a compact expression, let us make a simple assumptions. देखिए, अब compact expression का मतलब क्या आता है? कि हमने fundamentally तो बोल दिया कि future expectation, futures dividends को हम present value पे discount कर लेंगे, तो हमारा intrinsic value आएगा. लेकिन अब इसका formulas क्या है, कैसे इसके ऊपर जाएंगे? तो इसको, इस थ्योरी को, मतलब इसको जनरेट करने के लिए एक मॉडल है जिसका नाम है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल और डिविडेंड डिस्काउंट मेथड. बेसिकली इट इज नथिंग बट जो हमारा ये थ्योरी बोल रहा था कि फ्यूचर्स के कैश फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड जो हमें मिलेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पे ला देंगे, मतलब डिस्काउंट कर देंगे एट अप्रोप्रिएट रेट. अब वो तो थ्योरी का पार्ट हो गया, बट व्हाट इज द रियलिटी, इज वी नीड टू अप्लाई सम फॉर्मूलास टू गेट द रियल नंबर्स, टू गेट द रियल इंट्रिंसिक वैल्यू, टू गेट द रियल फेयर वैल्यू एज पर द फंडामेंटल एनालिस्ट. सो लेट्स डायरेक्टली गो टू अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. नाउ एज आई सेड देयर इज अ मेथड टू डू इट, सो वी विल cover it the method first. These all are been derived थोड़ा सा complex करके इसमें दिया हुआ है, हम थोड़ा उसको easy peasy करके कराते हैं, फिर इस पे आते हैं. जैसे कि इसमें क्या है, पहला concept जो है वो no growth model. No growth model क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि आपका हर साल dividend same रहेगा, तो कैसे, तो वो चीज क्या प्रैक्टिकल है या नहीं है उसके बारे में हमें नहीं सोचना है कि फ्यूचर में डिविडेंड तो अप डाउन होता रहेगा. बट ये एक मेथड है, डिविडेंड डिस्काउंट मेथड. उस मेथड में तीन पार्ट है, एक पार्ट हो गया आपका नो ग्रोथ, एक ग्रोथ होगा, एक
मल्टीपल शेयर्स के ऊपर होगा, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मतलब मार्केट शेयर के ऊपर होगा, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे जी आपको देख रहा होगा, तो दिस इज फॉर द ग्रोथ एंड नाउ दिस इज द थर्ड वन दैट इज बेस्ड ऑन योर अर्निंग पर शेयर ईपीएस। सो विल कम वन बाय वन। तो ये तीन इसमें पार्ट होंगे डिविडेंड डिस्काउंट मेथड के, जिसको हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। आई होप यू गेट द आइडिया। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट easy, let's go. कोई मिशन में नहीं जा रहे अपने। सो दिस इज डिविडेंड डिस्काउंट मेथड, ओके। ये है अपना डिविडेंड डिस्काउंट मेथड। मैं ये खोज रहा हूं कि इसके बाद अपने को क्या करना है। इसके बाद हमें एनालिसिस करना होगा जो उसका अलग पार्ट हो। तो ये है डिविडेंड डिस्काउंट मेथड। अब इसमें तीन पार्ट है, जैसे मैंने बोला, एक एक करके देखते हैं। पहला पार्ट क्या है, एज आई सेड अर्लियर, ये है अपना नो ग्रोथ मॉडल। सो डिविडेंड डिस्काउंटिंग, पहले मेथड का क्या नाम है, डिविडेंड डिस्काउंट मेथड में तीन टाइप के मॉडल हैं। पहला है नो ग्रोथ मॉडल। आपको नाम सुन के लग रहा होगा कि भाई क्या बोल रहा है। नो ग्रोथ मॉडल हम ये अज्यूम करेंगे, यहाँ पे कुछ अजम्पशंस रहेंगे जो कि थोड़ी सी अजीब हैं, बट आपको माइंड में रखना होगा कि एक कंपनी का ग्रोथ नहीं है, देयर इज नो ग्रोथ। बट हम लोग आज के दिन की बात कर रहे हैं, एक बात तो आप नोटिस करके रखिएगा कि नो ग्रोथ मॉडल का मतलब ये नहीं है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, बट वी आर अज्यूमिंग समथिंग एंड वी आर डूइंग समथिंग। सही, वी आर सेइंग कि आज के बाद इस कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं होगा, आने वाले फ्यूचर में इसमें ग्रोथ नहीं होगा। तो आपके हिसाब से इसकी फंडामेंटल एनालाइज करके आप बताइए कि इसका क्या होगा फेयर प्राइस, इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग इस नो ग्रोथ मॉडल का सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, और कंपनी का रेट आप एक्सपेक्ट करते हो रिटर्न ऑन इक्विटी आपको मिले 10%, से 10% आपको मिलता है, तो आपका अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा, 10 रुपया, ठीक है। और ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, ये रिटर्न ऑन इक्विटी ये आपका, और ईपीएस हो गया 10 रुपया, आपका अर्निंग पर शेयर हो गया, मतलब हर शेयर पे आप 10 रुपया कमा रहे हो कंपनी से, ठीक है। ये बहुत ही हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। आप रिटर्न ऑन इक्विटी 10% है, 10% आप 10 रुपये आपका ईपीएस है, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद कंपनी आपको डिविडेंड पर शेयर्स 10 के 10 रुपये दे देती। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने बोला यहाँ पे नो ग्रोथ मॉडल। कहने का मतलब है कि अगर हमको एक्सपेंशन नहीं करना है, बहुत ही थ्योरेटिकल चीज है ये, प्रैक्टिकल तो नहीं लगती, बट आपको समझना होगा कि ये एक मेथड है, मॉडल है, जिसको आपको बस समझना है। अप्लाई करने के लिए पूछा जाएगा तो अप्लाई कर देना, और कुछ नहीं। अगर एक कंपनी है, अगर वो 10 रुपये कमा रही है पर शेयर, उसका ईपीएस है अर्निंग पर शेयर 10 रुपये। अर्निंग पर शेयर क्या होता है, पैट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, जिससे अर्निंग पर शेयर आ जाता है। जो भी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा उसको नंबर ऑफ शेयर्स से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो ईपीएस निकल आएगा। तो 10 रुपये है, कंपनी ने यहाँ पे 10 के 10 रुपये डिविडेंड बांट दिए, शेयर होल्डर्स को पैसा रिटर्न दे दिया, 10 का 10 रुपये लौटा दिया। और फिर से अगले साल आपके इन्वेस्टमेंट 100 रुपये रहेगी कंपनी में, और फिर वही रिटर्न 10%, फिर ईपीएस आया 10 रुपये, और फिर वो डिविडेंड वही कांस्टेंट रहा। यूनिफॉर्म ग्रोथ मतलब यूनिफॉर्म रहेगा हर साल, ये 10 का 10 रहेगा। अगर देखा जाए तो इस साल भी 10, अगले साल भी 10, अगले साल भी 10, तो ये चलता रहेगा। आपका डिविडेंड पर शेयर हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये है
पहला अजम्पशन और फॉरमोस्ट अजम्पशन नो ग्रोथ मॉडल का कि जो आपकी अर्निंग है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर खोजे, हर साल आपको 10 रुपया मिल रहा है टिल द परपेचुटी, इसका कोई एंड नहीं है, तो जीपी सीरीज आपको पता है पी जीरो अगर प्राइस इसका निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, बस ये 10 / 1 प्लस एनीथिंग, सपोज करिए आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% है तो उसको ले लेते हैं ऐसे करके एंड परपेचुटी तक, ठीक है ये वन हो गया। पी जीरो मतलब प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे इसका, जीपी सीरीज में अपने क्या करते थे 10 / मतलब जो डिविडेंड पर शेयर है फिर उसको डिस्काउंटिंग करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे इसका, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए अपने क्या करेंगे जो इनकम है उसको डिस्काउंट कर देंगे, उसके हिसाब से परपेचुटी तक चलता रहेगा। लेकिन अब जीपी सीरीज में जब परपेचुटी का मामला आता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, नंबर्स तो फिक्स नहीं है तो उसको सॉल्व तो किया नहीं जा सकता, तो फिर एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो आईपीसीसी में आपने पढ़ा था D1/KE, आई होप यू गॉट द आइडिया, P0 इज इक्वल टू नथिंग बट D1/KE, KE इज इक्वल टू, अगर जीपी सीरीज यहाँ पे सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे A/R करते हैं, A is nothing but the cash flows और R is nothing but the discounting factor, और उसको अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो हमारे लिए ये कैश फ्लो है और ये है हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो P0 is equal to D1/KE। तो बहुत ही सिंपल सा है, हमें 10 रुपया मिल रहे हर साल तो उसका प्रेजेंट वैल्यू जब निकालने गए तो ये वाला फॉर्मूला लगा, तो उस फॉर्मूले को अगर हम लोग हर साल तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ ईयर जो है वो इनडिफिनिट है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं A/R, A इज इक्वल टू फ्यूचर कैश फ्लोज डिवाइडेड बाई डिस्काउंटिंग फैक्टर, अभी कॉन्स्टेंट है तो वह ये A ही रहेगा और A डिवाइडेड बाई R हो जाएगा, तो इस प्रेजेंट वैल्यू हम लोग बस इतना से निकाल सकते हैं, और अगर इसको इस फॉर्म शेप में दे जाए तो D1/KE, दैट्स इट, ओके। तो यहाँ पे अपना क्या है, अगर अपना यहाँ पे रियल वैल्यू निकाला जाए तो क्या आएगा, हमारा D1 कितना था, D1 मतलब जो अभी तो डिविडेंड सारा एक ही है, एक सेकेंड, या व्हाट वी आर गेटिंग इज 10 रुपीज आई गेस, और डिस्काउंटिंग फैक्टर 12, तो इसका वैल्यू आ जाएगा अपने पास आई गेस हाउ मच, इतना तो मैथ्स आता तो कॉमर्स कर देते, सॉरी 10/ 83.33, ये आपका आ गया इंट्रेंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू एज यू कैन से एज द फंडामेंटल एनालिस्ट। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस 83.33, अब 83.33 क्या है इंट्रेंसिक वैल्यू, तो पहली बात तो फ्यूचर कैश फ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू है, अगर इसको इंटरप्रेट करना हो, अगर समझना हो तो क्या करेंगे, तो समझने के लिए आप यही समझेंगे कि अगर कोई भी शेयर 100 रुपए का है तो हम उसको 83.33 में खरीदेंगे इस उम्मीद के साथ कि हमें फ्यूचर में हर साल 10 रुपए एज अ डिविडेंड पर शेयर एज अ कैश फ्लो मुझे मिलने वाला है, या फिर अगर मैं आज इस शेयर पे 83 रुपया लगाता हूं तो मुझे फ्यूचर में अनलिमिटेड टाइम तक 10-10 रुपये हर साल तक मिलता रहेगा, तो ये इंटरप्रिटेशन का वे हो सकता है, बट अगर आपको ये फॉर्मूला प्रैक्टिकल नहीं लगा होगा तो दैट इज रियली नॉर्मल, क्योंकि देखिए ये प्रैक्टिकल इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि आप कैसे मान सकते हो कि हर और कंपनी आपका
₹10 कमाएगी तो 10 का 10 आपको भी दे देगी भाई। कंपनी अपना एक्सपेंशन में भी पैसा लगाएगी, डिविडेंड में ₹10 क्यों बांटे, क्या पता हो 10 का 10 रख ले। तो नो ग्रोथ मॉडल इज वेरी लेस यूज, बट दिस इज वॉट द डिविडेंड डिस्काउंट मैथड, वी नीड टू स्टडी ईच ऑफ दैम। सो हियर वी आर। अगर मैं इसको रिकैप कर दूं तो और अच्छा होगा आपके लिए, तो मैं कोशिश करता हूं इधर थोड़ा सा। या सो व्हाट व्हाट यू कैन से, वी कैन से नो ग्रोथ मॉडल, मतलब कोई ग्रोथ नहीं। फॉर्मूला इज नथिंग बट d1 बाई के, वेयर d1 इज इक्वल्स टू फ्यूचर डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो आपको मिल रहा है ₹10। के इज नथिंग बट डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर आप कोई भी लगा सकते हो, आप ये बोल सकते हो डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है। डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ पे मतलब ये है कि आप सोच रहे हो कि अगर मैं ₹83 लगाऊं तो मुझे अगर अपने पैसे से 12% का रिटर्न एक्सपेक्टेड है, मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 12% कमाऊं अपने रुपए से। मैं अगर ₹83 लगाता हूँ तो मैं 12% एटलीस्ट कमाऊं, या फिर इट कैन बी 10% कमाऊं। कितना कमाना चाहते हो, दैट इज व्हाट अबाउट द की, व्हाट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अगर इसका टर्म आपको पता है तो ये है रेट ऑफ रिटर्न, जो आप रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो वो है, ठीक है। और ये कैश फ्लो है, तो रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट कर दिए तो वी विल गेट 83। तो इतना कमाने से आप 12% की जो एक्सपेक्टेशन है उसमें 10-10 हर साल रुपये कमा के फुलफिल कर सकते हो। आई गेस इतना, इसको क्लमजी नहीं बनाते, सिंपल सा बस ये याद रखना d1/k, दैट्स इट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, एंड व्हाट इज दैट सेकंड वन। नाउ कम्स टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल। व्हाट डज इट कॉन्स्टेंट, दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहला है कांस्टेंट, जो कि लगातार चलेगा, ग्रोथ एक जैसा ग्रोथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर आपको ये समझना होगा तो, अगर आपको बात करें तो एक ऐसी कंपनी जिसका ग्रोथ हमेशा कंसिस्टेंटली बराबर रहा हो, जैसे कि हमारा, हमारे देश का GDP जैसे 6-8% हमेशा ग्रो कर रहा है अराउंड, तो मान लीजिए अगर 8% से लगातार ग्रो करता रहे, एक कंपनी का प्रॉफिट से 10% से हमेशा ग्रो कर रहा है, एक कंपनी का जो अर्निंग है वो हमेशा से 12% से ग्रो कर रहा है, तो कांस्टेंट ग्रोथ हो रहा है। ₹100 लगा रहा है तो कांस्टेंटली इस पेस के हिसाब से वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, कांस्टेंट ग्रोथ है। जैसे हमने प्रीवियसली एग्जांपल लिया था कि हमने ₹100 लगाया कंपनी में, जिसमें से ROE हमारा ₹10 हुआ, तो EPS हमारा आया था ₹10। अब हमने प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस मॉडल में, दैट इज नो ग्रोथ मॉडल, उसमें क्या बोला था, उसमें बोला था कि हमने 10 के 10 पे आउट कर दिए, मतलब दे दी। बट यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर सही, अगर हम एक रेशियो में बांटते हैं, और बी यहाँ पे ये है रिटेंशन, मतलब कितना पैसा आप रिटेन करते हो, दैट इट इज BE ओनली से। यहाँ पे आप पे डिविडेंड पे करते हो 60% और 40% रिटेन करते हो, दिस इज समथिंग दैट विल बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट, ये कंसिस्टेंट रहेगा। तो ये कितना आ गया, ₹6 और ये ₹4 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, अगले साल का अगर डेटा देखें इस हिसाब से, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ तक पहुँच गया, ₹104, क्योंकि हमने बी रिटेन कर लिया, तो ₹104 यहाँ पे हो गया, और ROE हमारा वही रहेगा 10% का, EPS हमारा थोड़ा सा बदल जाएगा, 10.4 आ जाएगा, फिर अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6.24 और ये हो जाएगा 4.16। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप ये देखें कि हमारा जो ग्रोथ है, ग्रोथ कांस्टेंट ग्रोथ का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का नाम है B into R,
जी जब कांस्टेंट है तो उसमें रिटेंशन रेशियो और ये आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर जो कि है से यहाँ पे 10% और ये 40%, तो ये अपना आ गया 4%। ठीक है, अब एक चीज आप देखो कि ये भी 4% से ग्रो किया है, ये भी 4% से ग्रो किया है, ये भी 4% से ग्रो किया है, ये भी 4% से ग्रो किया है। तो ये क्या है, कंसिस्टेंटली 4% से ग्रो कर रहा है। तो ये एक मॉडल का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि भाई हर चीज कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रही है। ठीक है, अब इसमें दो चीज कॉन्स्टेंट है, वो है डिविडेंड पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो। ये हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, 60% और 40%, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हमारा ग्रोथ भी कंसिस्टेंटली बना रहेगा। अगर इसको प्रेजेंट वैल्यू में, इसका प्रेजेंट वैल्यू अगर हमें निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा बात है, हमारा जो कैश फ्लो उसको डिस्काउंट करना है। फर्स्ट ईयर में कैश फ्लो 6 है और हमको डिस्काउंट करना है, से हमारा के ई है जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12%, 6 / 1 + 0.12। अब यहाँ पे ट्विस्ट आ गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉन्सिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, इसमें ग्रोथ होगा जो कि होगा 0.04 का 1 + 0.12 एंड परपेचुटी तक, ये हमेशा कंसिस्टेंटली चलता रहेगा। प्रीवियसली हमने इसको क्या कर दिया था, D1 A/R कर दिया था, प्रेजेंट वैल्यू को A/R निकाल दिया था उसका, D1/K कर दिया था, लेकिन उस समय ये हमेशा कंसिस्टेंट था। लेकिन अभी इसको सॉल्व करने के लिए मैथ में क्या फॉर्मूला है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। इसको सॉल्व करने के लिए, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है A1/R जो पहले था नो ग्रोथ मॉडल में, लेकिन यहाँ पे एक चीज बस ऐड हो जाएगी, -GC। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, A0 + 1 + G, मतलब यहाँ पे ग्रोथ ऐड करके R - GC कर सकते हो। तो कॉन्सिस्टेंटली ग्रो करे परपेचुटी तक, तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है, A1 / R - GC, नथिंग एल्स। आप A1 जो आपका कैश फ्लो है डिवाइड करिए उसको, जो रेट ऑफ रिटर्न है माइनस कर दीजिए जीसी। जीसी इज नथिंग बट द B * R। B इज व्हाट, रिटेंशन रेशियो, एंड R इज योर रिटर्न। ओके, ना हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अपना प्यारा P0। तो अब इसको अगर फॉर्म में, अपने फॉर्म में कन्वर्ट करें तो A1 इज नथिंग बट D1, आर इज KE और -GC। हमारे पास D1 कितना है, हमारा D1 है 6 रुपीज × 1.04 और इधर होगा 0.12 -0.4, इसकी वैल्यू आएगी 78। दैट्स इट, हाउ स्मूथ इट इज। आपको करना क्या है, आपको एक फॉर्मूला लगाना है। इस अगर आपको दो कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में समरी अगर इसका देखा जाए तो जीसी मतलब ग्रोथ जो कांस्टेंट है उसको निकालने का तरीका B * R जो कि लगेगा नहीं, यहाँ पे 4% था वो निकालना पड़ा, तो GC इज इक्वल टू B * R, नथिंग एल्स। B * R आपका GC आ गया। कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रखने होंगे तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और अगर हमें P0 निकालना है तो P0 इज इक्वल टू नथिंग बट D1 / K - GC। हमारे केस में क्या था, 6 1.04 से इंटू करेंगे, फिर KE दैट इज रेट ऑफ रिटर्न जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, -GC दैट इज 0.4, हमारा वैल्यू आ गया 78।
अब इसको कैसे इंटरप्रेट करें कि 78 रुपीज हम लगाएंगे, 12% मेरा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है, तो मुझे फ्यूचर में हर साल 6-6 रुपया करके मिलेगा और कंपनी का मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। नाउ कम्स द फाइनल एंड द लास्ट मॉडल। अभी अपने जो दो मॉडल पढ़े, अगर उसको हम लोग समराइज करें तो क्या करेगा? पहला मॉडल बहुत सिंपल है, दैट इज नो ग्रोथ। इज इट ग्रोथ? नो ग्रोथ मॉडल। ओके, वी कॉल इट D1 by K, दैट्स इट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल। इट इज रिटन राइट हियर, दैट इज D1 / K-Z एंड D0 K, बोथ आर सेम। सो दीज टू मॉडल वी हैव स्टडीड। डिविडेंड डिस्काउंट मेथड के दो मॉडल हमने पढ़ा, अब तीसरा मॉडल क्या बोल रहा है? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एंड द पी मल्टीपल ग्रोथ मॉडल वी कॉल इट। और दिस इज मल्टीपल ग्रोथ मॉडल। दिस इज मल्टीपल अब इसका क्या फॉर्मूला है? बीई बीई इज नथिंग बट द रिटेंशन डिवाइडेड बाई K-Z। वहां पे D1 था, यहाँ पे बीई है, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल। वॉट डज इट सेज? फाइनेंशियल एनालिस्ट टेंड्स टू रिलेट द प्राइस टू अर्निंग बाई पीई मल्टीपल्स, प्राइस अर्निंग मल्टीपल, द रेशियो बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द अर्निंग पर शेयर। ये है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर। इसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। इफ अ कंपनी इज अज्यूम टू पे आउट अ फ्रैक्शन ऑफ बी ऑफ इट्स अर्निंग एज अ डिविडेंड ऑन एवरेज, दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो, दैट इज बी वी आर टॉकिंग अबाउट। D1 मे बी एक्सप्रेस्ड एज बी। कहने का मतलब है कि अगर एक कॉन्स्टेंटली इफ अ कंपनी अज्यूम टू पे अ फ्रैक्शन ऑफ बी ऑफ इट्स अर्निंग एज अ डिविडेंड ऑन एन एवरेज, जो हमारा अर्निंग है कंपनी का, उसका एक पार्ट अगर हम पे करना चाहें कस्टमर्स को, तो दैट इज वॉट उस बी डी वन को जो पे आउट होगा डिविडेंड पर शेयर, उसको हम लोग पीई भी कर सकते हैं, बीई भी मान सकते हैं। जैसे D1 रिप्लेस हो गया बीई से। इज द अर्निंग पर शेयर वेयर E1 इज अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड इक्वेशन देन बिकम्स। जैसे पहले इक्वेशन क्या था? D1 / KE-GC। नाउ द इक्वेशन विल बी डी इज बीन रिप्लेस बाई बी ई। ओके, पी ई वन वेयर एंड डिवाइडेड बाई सेम KE-GC। हेयर वट डज इट मीन? हेयर बी मीन्स वी ऑल नो। नाउ E1 इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर, ठीक है? तो ये है रिटेंशन, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाई के। दिस होल इज रिप्लेस, मतलब D1 को रिप्लेस करके अपने ये लाए हैं। ये मॉडल क्या बोल रहा है कि मल्टीपल ग्रोथ है। कहने का मतलब है कि ये कंपनी कभी 30 साल 30% से ग्रो करती है, 40%, 50%, मे बी 10%, 15%, एक मल्टीपल रेट है, बट एक जगह आके वो कंसिस्टेंट हो जाती है। मतलब एक पीक पे जाती है, फिर ट्रांजिशन फेज के बाद वो कंसिस्टेंट हो जाती है। तो ये मॉडल बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, जो बी है रिटेंशन रेशियो है, उसको हम लोग उसका एक फ्रैक्शन शेयर होल्डर्स को देते हैं। उस फ्रैक्शन जो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं, तो अगर वो फ्रैक्शन से D1 को रिप्लेस कर दिया जाए, तो जो हम देते हैं, मतलब हमें जो मिलेगा फ्यूचर कैश फ्लो जो है मेरा, उसको हमें डिस्काउंट करना है, तो अपना PV आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, तो उसको हमने D1 की जगह इसको रख दिया BE1, दैट्स इट। तो ये रहा मॉडल। फिर बात करते हैं आगे क्या लिखा हुआ। द फंडामेंटल एनालिस्ट यूज द एवर मॉडल्स और सम ऑफ द ऑफ देयर वेरिएशंस फॉर एस्टिमेटिंग द फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्राइस ऑफ द फंडामेंटल प्राइस। क्या कह रहा है? इंट्रिंसिक प्राइस, फंडामेंटल प्राइस, अर्निंग मल्टीपल ऑफ द सिक्योरिटी। मतलब हम ये फॉर्मूला जो तीन है उसको यूज करके, क्या क्या तीन फॉर्मूला है एक बार रिपीट कर दो। D1 / KE, दूसरा है D1 / KE-GC, तीसरा है BE1 / KE-G। ओके, ये तीन फॉर्मूलाज है।
towards this end, they devote considerable effort in assessing the impact of the various kinds of information on company's future profitability, expected return of the shareholders. जैसे बहुत सारा हम लोग एफर्ट लगाते हैं फ्यूचर्स के एक्सपेक्टेशंस को एनालाइज करने में कितना क्या मिलेगा. इफ द प्रिवेलिंग प्राइसेस ऑफ द पीईपी मतलब पी डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ई दैट इज द रेशियो मल्टीपल ऑफ अ सिक्योरिटी इज हायर देन द एस्टिमेटेड फंडामेंटल वैल्यू दैट इज व्हाट दैट इज इफ द सिक्योरिटी अपीयर्स टू बी ओवरप्राइस्ड दे रिकमेंड अ सेल. अब अगर हमारे हिसाब से जो इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर आएगा तो उसको हम लोग सेल रिकमेंड करेंगे और जो नीचे आएगा उसको हम लोग खरीदने का रिकमेंड करेंगे. सिंस वंस द इंफॉर्मेशन बिकम्स कॉमन नॉलेज द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी मे बी एक्सपेक्टेड टू फॉल. जी अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो फॉल हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड इफ द सिक्योरिटी इज अंडर प्राइस इन द मार्केट प्रिवेलिंग प्राइस जो कि है उससे हम लोग क्या करेंगे कि आप खरीद लीजिए. बींग लोअर देन द एस्टिमेटेड फंड दे रिकमेंड बाइंग द सिक्योरिटी काउंटिंग अपॉन अ प्राइस राइज. तो हम ये तो पहले ही हमने बता दिया था कि भाई देखो इंट्रेंसिक वैल्यू से कम है तो खरीद लो ज्यादा है तो बेच दो. ये क्रक्स है. ठीक है इसको अगर फाइनली अपने समराइज करें फिर बात करेंगे इसके बारे में. D1 बाई के पहला नो ग्रोथ D1 डिवाइडेड बाई के माइनस GC तीसरा है ई पैकेट वन दैट इज ईपीएस ये रिटेंशन के माइनस जीसीगो. ये तीनों मॉडल हैं जिसकी वजह से इंट्रेंसिक वैल्यू निकालते हैं और इंट्रेंसिक वैल्यू कम है तो खरीदो ज्यादा तो बेच दो बात खत्म. आगे बढ़ते हैं इसमें. Because of these inherent complex interrelationship in the production process, the fortunes of the each industry are closely tied to those two of another industries and the performance of the economy as a whole. अब ये बोल रहा है कि because of these inherent complex interrelationships in the production process, अब इतना ज्यादा complexity है production processes में the fortune of the each industry are closely tied to those of the other industry and to performance of the economy as a whole. देखो हर चीज इकोनॉमी पर डिपेंड करती है नहीं बोल सकते लेकिन एक कंपनी कैसे फ्यूचर में परफॉर्म करेगी कैसा लोगों का खरीदने का पैटर्न रहेगा इकोनॉमी में बूस्ट आएगा लोगों के पास मतलब ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा एक्सपेंड करेंगे तो हमें अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा. सो दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड. ठीक है within an industry the prospects of a specific company depends not only on the prospect of the industry to which it belongs but also on its operating and competitive position within that industry. The key variable that an investor must monitor in order to carry out his fundamental analysis are the economy wide factors industry wide factors and company specific factors. In other words fundamental analysis encompasses economic industrial company analysis economic analysis industrial company analysis they are depicted by the three concentric circles and constitute the different stages in the investment decision making. Economic decision bahut bada larger fact hai. Company ka analysis pehla matter hoga fir industry fir economy. कहने का मतलब आपने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पढ़ लिया डिविडेंड डिस्काउंट मेथड तीन आपने जान लिए तीनों में फॉर्मूला लगा कि आप ला दोगे रिजल्ट. लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ इसी पर डिपेंड नहीं करती ना भाई. बस इसमें लोअर है तो खरीद लो उसमें ज्यादा है तो खरीद लो. क्या पता आज स्टील का दाम बहुत ज्यादा है उससे ओवर प्राइस है बहुत बिक रहा है क्या पता फ्यूचर में उस पर कोई टैक्स लगने वाला है तो उसमें फॉल होने वाला. तो अगर आपको पता चल गया तो भैया रुक जाओ. दिस इज वॉट इट इज सेइंग. इट इज नॉट समथिंग कि आपको फॉर्मूले में जो चीज बता दी गई दैट इज समथिंग यू शुड रिलाई ऑन यू शुड एनालाइज इट फर्दर. ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी चीज पर डिपेंड करता है. बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जैसे मैंने बोला लोग हर चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है तो उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे वन बाई वन दैट इज इकोनॉमी इंडस्ट्री एंड कंपनी. सो फर्स्ट एनालिसिस विल बी इकोनॉमी एंड दैट विल बी इन आवर नेक्स्ट वीडियो. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो वट आर यू वेटिंग फॉर जस्ट हिट द रेड कलर सब्सक्राइब बटन एंड डोंट मिस टू हिट आउट द bell icon also. That's it. Move on. I'm not saying that. Okay. Bye. Bye for now. We will see you in the next video. Take care. Shukriya.
और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपने यहाँ तक देखा है तो। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। We'll be right back.